हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जो अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ पेटीएम फास्टैग। गाइस, बहुत ही क्वेरी आ रही है हमारे सामने कि फास्टैग को बाई कैसे करें, एक नॉर्मल यूजर इसे कैसे यूज़ कर सकता है, एक पीएससी यूजर कैसे यूज़ कर सकता है। बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेरी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारे पास क्वेरियाँ आती रही हैं। तो आज मैं इसका सोल्यूशन ही आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आज जितने भी ये क्वेरीज हैं आई थिंक मैं सब क्लियर करूंगा फास्टैग के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन 110% दूंगा। तो वही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये जो फास्टैग है ये मैंने पीएसआई स्टोर से ख़रीदा है और एक नॉर्मल भी आता है, वो कैसे बाई करना है ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको डाउट है कि बाई मुझे कौन सा करना है, अगर आप पीएसए के एजेंट हैं या फिर एक नॉर्मल यूज़र हैं, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर आपको बाई करने का प्रोसेस दिख जाएगा। ओके, तो आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। ये जो मैंने गाइस परचेज किया है पीएसए स्टोर से ख़रीदा है, इसमें देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पर एक मुझे फास्टैग का जो किट है वो मिल गया है। ये क्लास 4 के लिए, यानी 4 जो पहिए गाड़ी होती है उनके लिए है। इसमें बहुत सारी क्वेरी है, मैं आप जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता आप ऐसे परेशान होते हो, क्योंकि मुझे हेल्प करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। तो ये मैंने जो परचेस करा है ये फास्टैग, ये मैंने पीएसए स्टोर से करा है। अब गाइस देखो, यहाँ पे डाउट क्या आता है हम लोग के पास, एक तो आता है किसी के पास कॉमर्शियल है, किसी के पास प्राइवेट कार है। ओके, तो जो पीएसए वाला बंदा जो है पीएसए स्टोर से ख़रीदता है जिसमें 10, 20, 25 का साइज आता है, तो ये मैंने 10 का लिया है। तो जो पीएसए का बंदा है, ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिएगा। अगर आप पीएसए स्टोर से ख़रीदते हैं जो किट, जो कि क्लास 4 के लिए आता है, ये प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों के लिए है। ओके, तो ऐसा नहीं कि जो कलरफुल आते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे क्लास 4 हो गया, 5 हो गया, 11, 12 जो है वो इंडिविजुअल यूज़र के लिए। जैसे मेरे पास खुद का गाड़ी है, खुद का कॉमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट जो भी है, मैं खुद से ख़रीदना चाहता हूँ, खुद से लगाना चाहता हूँ, वो उनके लिए, वो इंडिविजुअल है, उसको सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, पीएसए का एजेंट भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो पीएसए खरीदता है, इसमें 4 है, इसमें ये डिफाइंड नहीं है कि ये कॉमर्शियल है कि प्राइवेट, आप इसे कॉमर्शियल प्राइवेट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, क्लियर है ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो जो पीएसए का बंदा है उसको दोनों पर लगा सकता है, वो चाहे कॉमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, डाउट क्लियर। तो ये फास्टैग है, इसमें 10 किट है और मुझे कुछ यहाँ पे पर्ची भी मिली है, इसमें एज ए प्राइवेट इसको रखते हैं, इसमें यही इसकी क्वांटिटी है, जीएसटी वगैरह क्या है ये सब इंक्लूड है, इसमें एड्रेस वगैरह मेरा है। आपको जब परचेस करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, एक तो इसका ये पैकेट रहेगा और ये पर्ची और ये किट। किट के अंदर क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर कुछ डाउट बचता है गाइस तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प 110% करूँगा। तो आओ इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। तो ये देखो, इनकी पैकिंग यार बहुत अच्छी यार, मस्त है वैसे। ये देखो फास्टैग पेटीएम का, वाह इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, जो कुछ नया चीज़ खरीदो तो उसमें खुशबू कितना मस्त आती है ना, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है सूंघने में उसको। ये देखो फास्टैग है और सारा डिटेल्स वगैरह इसमें है। ये क्या है भैया, इसको भी देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, कस्टमर का नेम, एड्रेस, वेल जो भी है इसमें सब कर रहे हैं फिलअप। तो आपको ऐसे सब फॉर्म मिलेगा एक, और इसके गाइडलाइंस है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है ये। और ये रहे फास्टैग, देख लो फास्टैग, यहाँ पे नंबर 4 लिखा है। और ये मैं किसी के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब प्राइवेट कार हो या फिर कॉमर्शियल, मतलब ऐसे जो पीएसए खरीदता है वो किसी के लिए भी यूज़ करता है, बट जो एक इंडिविजुअल होता है, जो कलरफुल होता है, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए होता है। तो बस यही है, देख लो आप लोग। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग का क्वेरी होता है कि सर मैंने अपना जो क्यूआर किट है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अभी तक आया नहीं। तो देखो गाइस क्या होता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो, ज़्यादा गांव से बिलोंग है तो उसमें आपको भी पता है वहाँ सर्विस थोड़ी ढीली होगी, अगर शहर में रहोगे तो आई थिंक बहुत फास्ट होगा। इसका मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने 31 दिसंबर को करा था,
और ये मेरे को 2 जनवरी को आ गया था, तो आप बोलो 3 दिन में आ गया फास्टैग, बताओ कितनी फास्ट सर्विस है। तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मैंने फास्टैग तो कर दिया, QR कोड तो कर दिया बट आया नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में लग जाते हैं। मेरा भी QR कोड आई थिंक 25 दिन में आया था, तो क्योंकि मैं उस समय गाँव गया था। तो डिपेंड करता है देखो गाइस एरिया कहाँ से हो आप, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, पेशेंस रखना है, बाकी चिल मारो, पेटीएम अच्छी कंपनी है, मज़ा आएगा साथ में काम करने के लिए। आई होप इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा और कुछ नॉलेज भी मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही अनबॉक्सिंग टिप्स और ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।